हे एवरी वन वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल गो एग्रो सो फ्रेंड्स आज के लेक्चर का सब्जेक्ट है मैटीरियोलॉजी लेक्चर नंबर थ्री और इसके टॉपिक्स हैं एटमोस्फिक प्रेशर एंड इट्स वेरिएशन विथ हाइट्स इससे पहले मैंने मेट्योलॉजी के दो लेक्चर लिए थे मीनिंग एंड स्कोप ऑफ एग्रीकल्चर मेटरोलॉजी एंड अर्थ एटमोसफियर पर इसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड फ्रेंड्स यू कैन ऑल्सो ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप फॉर मोर सच अपडेट्स इसका लिंक भी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सो लेट्स स्टार्ट आर लेक्चर एटमॉस्फेयर एटमॉस्फेयर क्या होता है एटमॉस्फेयर गैसीयस लेयर है जिसने अर्थ को एनवेलप जैसे कवर किया हुआ है एटमॉस्फेयर गैसेस मॉइस्चर एंड सॉलिड इंप्योरिटीज से बना हुआ होता है एटमॉस्फेयर की लगभग हाइट होती है 400 किलोमीटर सो so, ये सभी केसेस अर्थ के ऊपर वेट लगाती है जिसे हम एयर प्रेशर बोलते हैं सो so, एटमोस्फिक प्रेशर क्या होता है उसे डिटेल में समझते हैं जो इस लेक्चर का मेन टॉपिक है सो so, अर्थ सरफेस की वन यूनिट एरिया में जो एयर कॉलम होता है वो एयर कॉलम अर्थ सरफेस पर जितना फोर्स लगाती है उसे हम एटमोस्फिक प्रेशर बोलते हैं सो so, जैसा हम जानते हैं अर्थ के टोटल सरफेस एरिया एटमोसफियर से कवर है जिसमें डिफरेंट गैसेस और मॉइस्चर प्रेजेंट होता है सो so, ये सभी गैसेस और मॉइस्चर का जो मास होता है वो अर्थ के ऊपर हर पॉइंट पर एक प्रेशर एग्जर्ट करता है जिसे हम एटमोसफिर प्रेशर कहते हैं और इसका फॉर्मूला होता है प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया अर्थ सरफेस के पर यूनिट एरिया पे जो फोर्स लगता है उसे हम एटमोस्फ्रिक प्रेशर बोलते हैं द नेक्स्ट टॉपिक इज मेजरमेंट ऑफ एटमोस्फ्रिक प्रेशर एटमोस्फ्रिक प्रेशर को मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट को बैरोमीटर बोलते हैं बैरोमीटर मेनली फोर टाइप्स के होते हैं फोर्टीन्स बैरोमीटर क्यू पैटर्न बैरोमीटर एनिरोइड बैरोमीटर बैरोग्राफ फॉर ऑटोमेटिक एंड कंटीन्यूअस रिकॉर्ड ऑफ प्रेशर सो ये मेनली फोर टाइप्स के बैरोमीटर्स होते हैं जिनकी यूज़ेस हर जगह अलग-अलग होते हैं द नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिट ऑफ प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की यूनिट डायमेंशन होती है m1 l-1 माइनस टू मीन्स इसकी ऐसा यूनिट होती है के जी पर, पर स्क्वायर प्रेशर को मेजर करने के लिए हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसमें मरकरी कॉलम होता है सो मरकरी कॉलम की हाइट को देखकर हम प्रेशर का पता लगा सकते हैं जिसे सेंटीमीटर और मिलीमीटर में चेक किया जाता है प्रेशर को हम बार में भी मेजर करते हैं वन बार इक्वल्स टू होता है टेन एक्स टू पावर सिक्स टाइम्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर और वन मिली बार का मतलब होता है टेन एस टू पावर माइनस थ्री बार और टेन एक्स टू पावर थ्री डाइम्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर डाइम्स यूनिट होती है फोर्स की और सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट होती है एरिया की So, अगर वन सेंटीमीटर स्क्वायर के एरिया पे अगर टेन टू पावर सिक्स टाइम्स का फोर्स लगाया जाए तो हम उस जगह का प्रेशर बोल सकते हैं बार। नेक्स्ट पॉइंट प्रेशर की ऐसा यूनिट होती है पास्कल। वन पास्कल इक्वल्स टू होता है फोर्स ऑफ वन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मीन्स वन मीटर स्क्वायर पर वन न्यूटन का फोर्स लगाया जाए तो हम उस जगह का प्रेशर बोल सकते हैं वन पास्कल और यहां पे कुछ वन एटमोसफिर प्रेशर की कुछ यूनिट्स दे रखी हैं अलग अलग मेजरमेंट्स में वन एटमोस्फिकेश्वेंटी सेवन सिक्सटी मिलीमीटर इसके बाद वन एटमोस्फिकेश मतलब होता है वन सीरो वन थ्री पॉइंट टू फाइव जीरो मिली बार नेक्स्ट यूनिट है किलो पासकल वन प्रेशर का मतलब होता है वन हंड्रेड वन पॉइंटी फाइव किलो पास वन एटमोस्फियर प्रेशर इक्वल्स टू वन लैक वन थाउजेंड थ्री हंड्रेड ट्वेंटी फाइव पासकल और वन एटमोस्फ प्रेशर को हम अगर डाइन्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर में मेजर करें तो इसका मेजरमेंट होता है 1.014 10 टू पावर सिक्स टाइम्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर सो ये थी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की कुछ यूनिट्स द नेक्स्ट टॉपिक इज एटमॉस्फेरिक वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ हाइट और वर्टिकल वेरिएशन मींस एटमॉस्फेयर की हाइट के अकॉर्डिंग प्रेशर कैसे वैरी करता है समझते हैं एयर प्रेशर एयर की डेंसिटी पर डिपेंड करता है और एयर डेंसिटी टेम्परेचर कंपोजिशन ऑफ एयर एंड ग्रेविटेशनल फोर्स पर डिपेंड करता है सो so, इसे हम सिंपली ऐसा बोल सकते हैं कि डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटमोस्फेयर प्रेशर मीन्स जितनी ज़्यादा हाइट होगी डेंसिटी उतनी ही कम होगी और एटमोस्फेरिक प्रेशर हाइट के अकॉर्डिंग डिक्रीज होगा मीन्स हाइट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटमोस्फ़ेरिक प्रेशर सो जैसे जैसे हम अर्थ एटमॉस्फेयर में अपर लेयर्स की तरफ मूव करते हैं तो हाइट इंक्रीज होती है और डेंसिटी कम होती है और डेंसिटी के अकॉर्डिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कम होता रहता है सी लेवल में एयर प्रेशर ज़्यादा होता है क्योंकि वहाँ की हाइट कम होती है और हायर एल्टीट्यूड्स पर एयर कम होती है इसीलिए वहाँ का एटमॉस्फ़ेरिक प्रेशर भी कम होता है सो so जितनी ज़्यादा एलिवेशन होगा हाई एल्टीट्यूड्स होंगे तो डेंसिटी भी कम होगी और उतना ही एटमॉस्फ़ेरिक प्रेशर भी कम होगा अगर हम थाउजेंड फीट का एल्टीट्यूड्स को इंक्रीज करें तो एटमोस्फेरिक प्रेशर हर लेयर पर थ्री परसेंट कम होता रहता है फॉर एग्जाम्पल माउंट एवरेस्ट पर एटमोस्फेरिक प्रेशर सी लेवल के कम्पेरिजन में थर्टी परसेंट कम होता है हिली एरियाज में एटमोस्फेरिक प्रेशर कम होता है इसीलिए जब हम हिल्स पर जाते हैं तब अपने ईयर्स आउटर और इनर एटमोस्फेरिक प्रेशर को बैलेंस करते हैं कभी कभी प्रेशर डिक्रीज होने की वजह से नोज ब्लीडिंग भी हो सकती है जब बॉडी का हाई प्रेशर होता है और वो एटमोस्फियर प्रेशर के साथ बैलेंस नहीं कर पाता है तब नोज ब्लीडिंग कर सकती है अकॉर्डिंग टू द एस्टिमेट सी लेवल का प्रेशर होता है 1013.25 मिलीबार और 11 किलोमीटर की हाइट पर प्रेशर होता है वन मिलीबार एंड फिफ्टीन किलोमीटर की हाइट पर प्रेशर होता है एंड किलोमीटर की हाइट पर प्रेशर होता है जीरो पॉइंट so, जैसे जैसे हम हाइट को इंक्रीज करेंगे एटमोस्फेरिक प्रेशर उतना ही कम होता रहेगा मैक्सिमम होता है सी लेवल पर और मिनिमम होता है स्पेस में द नेक्स्ट टॉपिक इज आइसोबार आइसोबार क्या होता है समझते हैं Bar, दो वर्ड से बना है आइसो एंड बार आइसो का मतलब होता है सेम एंड बार का मतलब होता है प्रेशर सो वेदर पर जिस दो जगह का प्रेशर सेम होता है उसे एक लाइन से ज्वाइन किया जाता है जिसे आइसो बार बोलते हैं आइसो बार्स मेप पर ड्रॉ किया जाता है जिसे प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन का पता चलता है द नेक्स्ट पॉइंट इज डाईनल वेरिएशन इन प्रेशर मीन्स 24 के पीरियड में जो प्रेशर वेरिएशन होता है उसे हम डाइनल वेरिएशन कहते हैं डाई यूनल मतलब होता है वन डे द नेक्स्ट पॉइंट इज प्रेशर ग्रेडियंट और बैरोमेट्रिक स्लोप किसी दो स्टेशन के बीच का प्रेशर डिफरेंस को अगर मैप्स पे मेजर किया जाए तब उसे प्रेशर ग्रेडियंट या फिर बैरोमेट्रिक स्लोप बोला जाता है आइसोबारिक सरफेस। सरफेस जब किसी के सारे पॉइंट्स पर प्रेशर सेम होता है तब उसे आइसोबारिक सरफेस बोला जाता है आइसोबारिक सरफेस का मतलब सेम प्रेशर वाला सरफेस जिसके हर पॉइंट पे प्रेशर सेम होता है नेक्स्ट टॉपिक इज हॉरिसोन्टल वेरिएशन ऑफ एटमोस्फेरिक प्रेशर इज वी ऑल नो टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एटमोस्फेयर में जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा प्रेशर उतना ही कम होगा और जितना कम टेम्परेचर होगा उतना ही ज्यादा प्रेशर होगा सो प्रेशर चेंज टेम्परेचर के अकॉर्डिंग होता है सो so, डे के टाइम पे टेम्परेचर ज्यादा होता है इसीलिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है और नाइट के टाइम पे टेम्परेचर कम होता है इसीलिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज हो जाता है इस पिक्चर में हम देख सकते हैं एटमॉस्फेरिक लेयर में हम जितना ज्यादा ऊपर जाते हैं प्रेशर हाइट के अकॉर्डिंग कम होता रहता है एट सी लेवल प्रेशर मैक्सिमम होता है और थर्मोस्फियर तक प्रेशर कम होता रहता है सो दिस इज ऑल अबाउट एटमोस्फेयरिक प्रेशर एंड इट्स वेरिएशन सो एटमोस्फेरिक प्रेशर हाइट टेम्परेचर और डेंसिटी पर डिपेंड करता है जिसे हमने इस लेक्चर में समझा है सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर